एक बार झापड़ ऐसा पड़ा था भाई साहब, रैगिंग पीरियड था, मेरे सामने मेरा दोस्त था अंबिकेश मिश्रा, उसकी हल्की हल्की तबीयत खराब थी, रैगिंग हुई और आदत हो चुकी थी तब तक कि दो चार पड़ेंगे दो चार मारूंगा, ये रैगिंग में चलता था। अचानक दरवाजे पे लात पड़ी, मैं बिस्तर पे लेटा हुआ था, तुरंत स्प्रिंग की तरह खड़ा हो गया ऐसे, क्योंकि अगर आप कोई आ गया रूम में सीनियर और आपने उसकी शक्ल देख ली, फिर रैगिंग नहीं होती थी, केवल आपकी कुटाई होती थी, आप उसकी शक्ल नहीं देख सकते, यू आर नॉट अलाउड। कई बार तो दूध वाला आ जाता था नाला लात मार के दरवाजे पे, हम ऐसे खड़े जाते थे, गुड मॉर्निंग सर, दूध आ गया था दूध ले लो, फिर ऊपर तब भी डर लगता था, हो सकता सीनियर हो ऐसा बोल रहा हो। धीरे से देखते तो पैर मैंने गंदे पैर है नालायक के, फिर देखा फिर चार गालियां देते थे। तेरे को बोला ना 3 बार ऐसे ऐसे करके नॉक करके आना है, तेरे को पता तो चले दूध वाला, कहता भैया जी भूल गए थे, मैं आ गया वो सीनियर, हाँ जी क्या चल रहा है, कुछ नहीं, मन में था कि काम दो क्या करना है, सामने वाले को बुलाया, उसके तुम थोड़ा सा अखड़ स्वभाव का था वो, क्या चल रहा, कुछ नहीं लेटा हुआ था ऐसा कुछ उसने बोला उल्टा सीधा, मैं चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह खड़ा था, मुझसे बोला इधर आ इसके झापड़ मार। अच्छा मुझे पता था कि झापड़ इतनी तेज मारना है ना कि कोई शिकायत ना रहे, नहीं तो खुद को पढ़नी है, सामने मेरा ही दोस्त है तो रूममेट, तो क्या इसके झापड़ मार, तो मैंने कहा एक्सक्यूज मी सर, क्या मैंने कहा शक्ल नहीं दिख रही इसकी, अब ऐसे कैसे मारो यार, तो कह रहे अच्छा तो अपना पीछे हो गया मेरे, कह देख ले शक्ल, मैंने शक्ल देखी, ऐसा हाथ रखा रन अप लिया, ठीक है। अच्छा वो ये मेरे को बोल चुके थे कि अगर मिस हुआ तो पैरेलल में तेरे पड़ेगा, अच्छा उधर भी कोई तैयार खड़ा था, अब वो मुझे दिख नहीं रहा था, मैंने अंबिकेश को बोला यार सॉरी भाई, चुपचाप खड़ा था, मैंने ऐसा थोड़ा सा रन अप ले लिया और जो मारा खींच के वो नालायक हल्का सा हिल गया और वो स्लिप होते हुए स्लिप हो गया, उसके स्लिप हुआ बट सीनियर का बिल्कुल स्लिप नहीं हुआ, इतनी तेज पड़ा ना, मेरे को बिल्कुल दुख नहीं हुआ, मेरे को गुस्सा अपने दोस्त पे आ रही थी, मैंने तो हिला क्यों, मैंने कहा अच्छा उसके बाद शायद वो छोड़ देते, मैंने कहा सर एक मौका और चाहिए, कहते हाँ बिल्कुल साहब, उसके बाद तो शायद वो जा रहे थे बट मुझे डर के मारे लगा कि और ना पीटे मेरे को, मैंने एक मौका और गया, इस बार तो मैंने आंखें ऊपर ही रखी, 2-3 मीटर दूर था बेचारा अलमारी से, अलमारी पे लगा जाके, और उसके बाद मेरा दर्द गायब हो गया, मुझे लग रहा था मेन वजह ये है, 4 घंटे बाद सीन अलग था, मेरे फ्लोर पे जितने लोग थे ना कह रहे यार एक बात बता, रैगिंग में जो सबसे लास्ट वाला तमाचा था वो किसके पड़ा था, अरे क्यों कह रहा आवाज वहां तक गई है भाई, फिर मेरे रूम में आए अंबिकेश भाई, बिस्तर पे लेटे हैं और मैं उसके पट्टी कर रहा हूँ सर पे रह बार बार, फीवर उसके 102 103, और मैं उससे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई वार्डन को मत बताना कि मैंने मारा था, रस्टिकेट कर देते, उन्हें ये था कि वो रैगिंग हो तो आप जानकारी दीजिए, अच्छा वार्डन भी मिले होते थे, वार्डन को बोलो कि सर सेकंड ईयर के लोगों ने आके रैगिंग की, कहते तुम्हें कैसे पता सेकंड ईयर के हैं, ये तो देखा था बस, वो सीधा उस बंदे के पास जाके कहते हैं यार ऐसे काम करते हो, उसने तुम्हारी शक्ल देखी है, वो आ जाते हैं, फिर पूरा फिल्मों वाला सीन होता था, पकड़ पकड़ के मारते थे, अभी तो खैर सब इतिहास है, रैगिंग वैगिंग खत्म हो गई, नहीं मैं एक दो झापड़ मारे बस, वो भी बचाने के चक्कर में मारे, पीटने के चक्कर, अपने से नहीं होता यार, ये पक्का किसी लोकल उसका वो है, ये रिपोर्टर पूछ रहा है ना, आपने कभी किया है ऐसा, आपको कैसा लगा, क्या ये सही बात है कि आगे रुक चुप हो गया ये इसीलिए बच गया, ये कुछ और पूछने जा रहा था, 8th में नहीं होगा, टाइम हो गया क्या, 10th भी करेंगे हम उसके बाद जाएंगे, ठीक है।